हमारी जो बुद्धि है ना, वह हंसिनी भी हो सकती है और बगुलिया भी हो सकती है। हंसिनी और बगुलिया, हमारी बुद्धि अच्छाई को चुभती है, अच्छाई को चुनती है तो हंसिनी है, और हमारी बुद्धि यदि बुराई को चुनती है तो फिर वो बोलो बोलो बगुलिया है। जहां नेगेटिव थॉट है वहां बगुलिया है, जहां पॉजिटिव थिंकिंग है वहां हंसिनी है। आप लोगों में से कभी कोई कावर लाया है? कावर कोई लाया हो तो हाथ खड़ा करे। 1 2 3 4 5 बस 5 ही लाए हैं कावर। अच्छा, माताएं भी कावर लाई हैं? ओए होए, नेक्स्ट इसी बच्ची भी कावर लाई है। ये कावर लाने वाले हैं ना, बड़ा कठोर काम है कावर लाना। मैं तो नहीं ला पाया लेकिन मुझे अच्छे बहुत लगते हैं कांवर जो लाते हैं। भोले बाबा की फौज कहते हैं, फौज है? वो जब लाते हैं तो उनके पाँव में घुंघरू बंधे रहते हैं, घुंघरू, और उनके बल पे वो ठमक ठमक, उनकी चाल अलग ही होती है। और रोड पे वो किंग होते हैं, उसमें किंग, चाहे जब हॉकी कर दें ऐसे करके, चाहे जब लठिया कर दें, हाँ रोक दें। लेकिन उनकी एक बात मुझे बहुत अच्छी लगती है, वो जो बम गाते हैं ना, बम, आप कहो तो मैं भी एक सुना दूं आपको। एक सुना दें? ठीक है, तो सब मेरे साथ बोलो भैया, हाओ तन मन ए पर।
बम नहीं बम्मा, जोर से बोलो करो, क्या भोला तेरी, बोले जा प्यारे बाम भोले। बकासुर का भी उद्धार किया, उसके बाद अघासुर आया, उसका भी भगवान ने उद्धार किया। एक दिन भगवान जमुना के किनारे काली दह पे गेंद खेलने गए, और ये यमुना कर्म की नदी है। विधि निषेधमय कलिमल हर, विधि निषेध कलिमल हर, कर्म कथा कर्म की धारा है। और यमुना के घाट पर तट पर भगवान खेलने गए, और गेंद चली गई, तो भगवान का जो मित्र है ना श्री दामा, पीछे पड़ गया कि मेरी गेंद दो, मेरी गेंद दो, मेरी गेंद दो। भगवान ने कहा भैया घर चल के तो एक के बदले दो दे देंगे, चार दे देंगे, पर यहां तो अल्लाह मत करे। बोले नहीं, मेरी तो वही गेंद चाहिए मुझे। भगवान बोले भलो आदमी, अरे हम बाकी बदले बहुत ही अच्छी गेंद दे देंगे। तो लेकिन वो नहीं माना,
मेरी तो वही गेंद मुझे चाहिए, भगवान बोले तेरी राजी है भाई, नहीं मानता तो ठीक है। भगवान कदम के पेड़ पर चढ़े और यमुना जी में छलांग लगा दी। गेंद के बहाने से पहुंचे कालिया नाग के पास, जो यमुना के जल को दूषित कर रहा था, प्रदूषण फैला रहा था, और जाकर के सीधे जगा दिया उसे। कालिया नाग ने बालक की इतनी हिम्मत कि मेरे को आकर के जगा दिया। इतनी हिम्मत मेरे को आकर के जगाना। दोनों में युद्ध हुआ, कालिया नाग का जहर निकाल दिया भगवान ने। जहर अनेकों प्रकार का होता है। अच्छा, जहर जब आदमी पर चढ़ता है तो बताते हैं लोग कि आदमी के आंखों की रोशनी कम हो जाती है, दिखना बंद हो जाता है और आदमी को नींद आने लगती है। ऐसे ही आदमी को जब जहर चढ़ता है अहंकार का, तो आदमी उसमें भी अंधा हो जाता है, फिर उसे गलत और सही दिखाई नहीं देता और मोह की नींद आ जाती है। भगवान इस अहंकार के जहर को निचोड़ने के लिए किसी न किसी रूप में उस व्यक्ति के जीवन में आते हैं। जरूरी नहीं है भगवान भगवान के रूप में ही आवे, ना जाने किस वेश में नारायण मिल जाए। और वृंदावन में जब भगवान खेले तब लोग सभी भगवान थोड़े मानते थे, उन्हें ग्वाला मानते थे। भगवान ने उसका जहर निकाल दिया और वो समर्पित हो गया। क्षमा करो प्रभु, गलती हो गई मुझसे, क्षमा करो। भगवान ने कहा कि ऐसा करना, आज के बाद इस यमुना में दिख मत जाना, बाहर बिल्कुल हमेशा हमेशा के लिए। तेरे यमुना में रहने से इतना जहरीला पानी हो गया है कि न गैया पी सकती है, न पंछी पी सकते हैं, न ग्वाल वाल पी सकते हैं, न कोई नहा सकता है। इतना जहरीला कर दिया पानी। कौन सा पानी? जिससे लोग पीते थे, जिससे नहाते थे, जिससे फसल होती थी, वो पानी तुमने प्रदूषित कर दिया। आज के बाद दिख मत जाना। कालिया नाग ने कहा कि महाराज मेरी तो मजबूरी है इसमें रहना। क्या मजबूरी है? बोले गरुण मुझे खा जाएगा, मेरी दुश्मनी चल रही है, यदि बाहर निकला तो गरुण जी मुझे खा जाएंगे। भगवान ने कहा कि मैंने अपने चरण तेरे सिर पर रख दिए हैं, अब गरुण तो क्या, गरुण का बाप भी तेरी तरफ आंख उठा के नहीं देख सकता। जा कहीं भी घूमना। ये कुत्ते आवारस लावारस जो कुत्ते डोलते हैं ना, इनमें कोई भी डंडा मार देता है, कोई भी इनके ऊपर पिल्ले डोल रहे हो तो कोई भी गाड़ी निकाल देता है, हैं? लेकिन कोई कुत्ते के गले में पट्टा बंधा हो, हैं? तो उस पर डंडा उठाने से पहले आदमी 100 बार सोचता है, क्योंकि भय कुत्ते का नहीं है, कुत्ते के मालिक का होता है, हैं? ऐसे ही जिनके जिन्होंने अपने गले में भगवान के नाम का पट्टा बांध लिया, जिन्होंने अपने सिर पे भगवान को रख लिया, उस पर वार करने से पहले यमराज भी सोचता है, औरों की तो फिर बात ही क्या है। इसलिए जो भगवान के पालतू बन जाते हैं ना, उन्हें यमराज भी छेड़ नहीं पाता, और जो पालतू नहीं है, जो फालतू है ना, उन्हें तो कोई भी मार के चला जाता है, उन्हें तो कोई भी मार के चला जाता है। इसलिए हम भगवान के पालतू बन जाएंगे तो फिर हम फालतू नहीं रहेंगे। गरुण ने कह दिया, भगवान ने कह दिया कि अब गरुण कुछ भी नहीं कर पाएगा।
अब ये जो कालिया नाग है ये भगवान का बन गया है, शरण में आ गया, अहंकार नष्ट हो गया। तब इस कालिया नाग ने कहा कि ठीक है प्रभु, आपकी आज्ञा, आपने अपना बना लिया है तो, लेकिन मेरे ऊपर निगाह रखना, अपना अपनी नजर रखना। जो बनाओ सो बन जाएंगे, जहां भेजो वहीं जाएंगे। जो बनाओ सदा तेरे ही कहलाएंगे, जहां भेजो सदा तेरे ही गुण गाएंगे, जहां भेजो वहीं जाएंगे। कालिया नाग को भगवान ने उसके फनों पर नाचते हुए यमुना के ऊपर आए हैं और फिर सब ग्वाल वालों से और यशोदा मैया वगैरह से मिले हैं। कालिया नाग को वहां से विदा कर दिया। कथा तो इतनी सी है लेकिन बड़ी गंभीर और बड़ी गहन कथा है। क्या गहनता है इसमें? हमारे सामाजिक अर्थ है इस कथा का और आध्यात्मिक अर्थ भी है। आध्यात्मिक अर्थ ये है कि ये जो कर्म हो रहा है, जैसे मानो ये कथा हो रही है, कथा करने वाले, कथा कहने वाले, कथा कराने वाले, कथा सुनने वाले और उसमें जो कार्य करता है, इन सबके सहयोग से कथा हो रही है। कोई कार्यकर्ता नहीं हो तो भी कथा में विघ्न आएगा, कहने वाला नहीं हो तो भी कथा नहीं होगी, कराने वाले न हो तो भी कथा नहीं होगी, इन सबके सहयोग से कथा हो रही है। लेकिन ये ऐसा शुभ कर्म है कि इस ये जो जल है कथा का, इस जल के स्नान से पीने से प्यास मिटती है, ताप मिटता है और मलिनता खत्म होती है, यानी पवित्रता आती है जीवन में। लेकिन इसी जल में जैसे यमुना के जल से प्यास मिटती थी, नालो तो ताप मिटता था और पी लो तो भीतर से तृप्ति होती और पवित्रता आती, ठीक है, उस जल से, ऐसे इस कथा के जल से भी ताप मिटता है, पाप मिटता है और प्यास मिटती है। लेकिन इसमें यदि अहंकार का कालिया नाग घुस गया तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। जैसे ये शुभ कर्म कर रहे हैं, ये कथा करा रहे हैं यजमान परिवार, अब इनके मन में श्रद्धा है, विनम्रता है, सबके प्रति आभार भाव है, सब आ रहे हैं तो ये आदर कर रहे हैं और सबसे हाथ जोड़ करके मिल रहे हैं और सोच रहे मन में कि भगवान ही करावे बारो है, हमारी का औकाती, हम तो बड़े बड़े पैसा भाई पड़े हैं, बड़े बड़े लोग पड़े हैं, भगवान ने प्रेरणा दी है, भगवान की बातें है, यहां तक तो ठीक है,
कार्य सफल हो जाएगा। लेकिन इनके मन में ये आ जाएगा, हमने हाँ ऐसी कथा कराई, आस पास के क्षेत्र में काऊ ने आज तक कराई नहीं होगी, ऐसी व्यवस्था करी, ऐसा व्यास लाए और ऐसा प्रचार करे और ऐसा भोजन व्यवस्था हमने किया तो शुभ कर्म, लेकिन ये कालिया नाक खड़ा हो गया अहंकार का, तो है गो सबको सुपड़ा साफ, कोई मतलब न रहा, कियो करायो सब गयो और जब आयो अभी मान। भगवान कर रहा है, भगवान करा रहे हैं, भगवान की कृपा है, यहां तक ठीक है, आगे गए तो मामला गड़बड़। कराने वालों के मन में अहंकार का कालिया नाग ना आ जाए, नहीं तो दूषित हो जाएगा ये जल, दूषित हो जाएगा ये कर्म। दूसरा, कथा कहने वाला वक्ता, उसकी वाणी से आदमी पवित्र होता है, संताप मिटते हैं, पाप खत्म होते हैं। लेकिन यदि वह यंत्रवत भगवान का एक दास बनकर के भगवान की प्रेरणा से बोलता रहे, एक यंत्र की तरह से भगवान का खिलौना बनकर के, तब तक तो ठीक है। यदि कथा कहने वाले वक्ता में ये बात आ जाएगा, मैं इतना विद्वान, मैं इतना ज्ञानी और मैं इतना भक्त और ऐसी कथा मैंने कही, तो समझ लो उसकी वाणी से भी जो जल है ना, जो कथा का, वो प्रदूषित हो जाएगा। फिर लोग पवित्र नहीं होंगे, फिर लोग तृप्त नहीं होंगे, फिर लोगों के जीवन में कल्याण नहीं आएगा, क्योंकि वो जल दूषित हो गया। वहां भी अहंकार का कालिया नाग घुस गया और वो जहर छोड़ता है, वो विष छोड़ता है। ये इसका आध्यात्मिक तत्व है। सामाजिक तत्व क्या है? समाज में भी कालिया नाग होते हैं जो प्रदूषण फैलाते हैं। प्रदूषण जितने भी फैलाने वाले लोग हैं वे कालिया नाग हैं। अब अनेकों तरह के प्रदूषण है, कोई जल में प्रदूषण फैला रहा है, कोई वायु में प्रदूषण फैला रहा है। अब दुनिया तो सुबह जग के रोड पर टहलवे आई है ऑक्सीजन लेवे के लिए, हैं? और वही में एक बाबूजी आए और सिगरेट पी रहे हैं और बीड़ी पी रहे हैं, दुनिया ऑक्सीजन लेवे आई है, वो कार्बन डाइऑक्साइड दे रहे हैं, ले। अब बुरा मत मानियो, पर कहनी तो पड़ेगी, है तो वे कालिया ना गई। ऑक्सीजन की जरूरत है समाज को, व्यक्तियों को, लोगों को, हृदयों को, और वे बांट रहे हैं कि ले। खुद तो मर रहे हैं, तो मर रहे हैं लेकिन और न्यू, लेकिन ये वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, बिना बात के ऐसे गाने चल रहे हैं, ऐसे वे चल रहे हैं, जा लेना एकन देना दो, न का वो मोबाइल पे बात करवे करन दे रहे, न बालकर पढ़न दे रहे हैं, न कोई वेद पाठ है, न कोई कीर्तन है, न भजन है, बस बिना बात है कि छोरी जेल करावेगी। और दिनों रात चलता रहता है, ध्वनि प्रदूषण हो रहा है। क्या मैसेज जा रहा है दिमाग को? हाँ, जब ज्यादा सुनोगे तो कौनो का उतना फिर जेल है ही जाएगी। अट्रैक्शन ऑफ लॉ, आकर्षण का सिद्धांत कहता है कि आज तुम जो सुन रहे हो और आज जो सोच रहे हो, कल तुम्हारे जीवन में खिंच करके चला आएगा। ध्वनि प्रदूषण, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, भूमि प्रदूषण, चलो यहां तक ये जो कर रहे हैं लोग, इनको हो सकता है भगवान क्षमा भी कर दे, दंड देने के बाद, थोड़ा बहुत दंड देने के बाद। एक गलती ऐसी है जिसके लिए कोई क्षमा का कॉलम है ही नहीं, पूछो तो बताऊं, नहीं तो आगे बढ़ूं। हाँ, अच्छा, एक प्रदूषण इतना खतरनाक है कि उसका न तो इलाज है और न उसका प्रायश्चित है।
वो प्रदूषण है वैचारिक प्रदूषण। वैचारिक प्रदूषण समझ में नहीं आया होगा, मुझे खोलना पड़ेगा थोड़ा सा। जिनके आ गया है उनको धन्यवाद, नहीं आया है तो मैं थोड़ा खोल देता हूं। अपनी वाणी से किसी के अच्छे विचारों को कलुषित कर देना, किसी के मन में किसी के प्रति घृणा, द्वेष, ईर्ष्या भर देना, दो दिलों में दीवार पैदा कर देना, दो घरों में दरार डाल देना और आपस में आदमी के विचारों को गंदा कर देना। लेना एकन देना दो, बस उनका काम है, चाहे वो नारी हो चाहे वो पुरुष हो। मैं अपनी आध्यात्मिक भाषा में उन लोगों को, नारियों को मैं कहता हूं कि वे मंथरा हैं और पुरुषों को कहता हूं कि वे शकुनी हैं। वैचारिक प्रदूषण, लेना एक देना दो, पति पत्नी में ऐसी दरार डाल दें कि तलाक ही है जाए। ओ बात कछु नहीं, पतो चले तो बात कछु नहीं, बीच में ऐसे आग लगाने वाले लोग। तो जो वायु प्रदूषण कर रहा है हो सकता है क्षमा हो जाए क्योंकि उसका इलाज है, लेकिन जब आदमी की खोपड़ी खराब हो जाती है ना, इसका इलाज करना बड़ा, इसके ऑपरेशन से तो डॉक्टर भी डरता है कि महाराज खोपड़ी का ऑपरेशन है, ब्रेन ट्यूमर हुआ है, बड़ा खतरनाक ऑपरेशन है। और वैचारिक प्रदूषण होता है तो एक दूसरे के प्रति शंका, संदेह, गलत फहमियां, और शंका का इलाज करना बड़ा मुश्किल है। कहते हैं ना सबको इलाज है पर भैया गलत फहमी को बहम, गांव में कहते हैं बहम 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 का कोई इलाज है। मंथरा ने बहम भर दिया के कई के दिमाग में, पता है ये कौशल्या का बेटा राजा बन जाएगा, तू दासी बनेगी, तेरा बेटा दास बनेगा, जेल में चढ़ोगे, फुल बात कुछ है नहीं और बना करके खड़ा कर दिया। हाँ? तो ऐसी बात करने वाली जो नारियां हैं ना वे मंथरा हैं। शकुनी दुर्योधन के आकर के रहने लगा है, दुर्योधन को ऐसा भर दिया कि ये पांडव तेरे दुश्मन है, पिता में भीष्म भी ऐसे हैं और ये ऐसे हैं, बस तू ही केवल अच्छा है। हाँ एक बात का ध्यान रखना, ऐसे लोगों में एक बड़ी खासियत होती है, जब आपको ये जहर पिलाएंगे तो सबसे पहले आपको अपना बनाएंगे, सबसे पहले कहेंगे देखो हमें तो कुछ ज्यादा लेनो देनो ना, पर भाई सांची बात हम पे रुकते ना। क्या कहेंगे कि सांची बात हम पे, भाई बिना कह रहो ना जा, तो मजबूरिया त्यो त्यो बुरो हो जिमो पे देखो आंखें ते नहीं जाएगा। इस प्रकार का पहले पहले हमें विश्वास दिलाने के लिए इस बात का प्रयोग करेंगे वे। हो जब कोई ऐसे कहे कि हम पे झूठ ना बोलो जा, तो समझ लियो जी हरिचंद को चाचा है, उल्टो समझियो पर कम हरिचंद समझ ले। हाँ। क्योंकि हीरा मुख से ना कहे लाख टका मेरो मोल। सत्यवादी क्यों कहेगा कि मैं सत्यवादी हूं? सत्य को कभी अपना परिचय देने की जरूरत नहीं पड़ती, सत्य का परिचय होता है अपने आप। समाज में जो प्रदूषण वैचारिक प्रदूषण जो फैलाते हैं ना, उन्हें भगवान कभी क्षमा नहीं करता। कहानी है दुनिया, हकीकत नहीं है, यहां एक पल को भी राहत नहीं है। अब तैयार हो जाओ, बात बड़े काम की है, पुड़िया बांध करके ले जाना, काम आएगी। कहानी है और जब बात अच्छी लगे तो फिर ताली बजाना, अच्छी लगे तो ही बजाना, नहीं जरूरी नहीं है, काम की बात है। कहानी है दुनिया, हकीकत नहीं है, यहां एक पल को भी राहत नहीं है। बुराई का करना और बुराई का सुनना ये आदत है लोगों,
जरूरत नहीं है। क्या है? केवल आदत है। कहू की बुराई करे बिना पेट में गैस नहीं बनेगी। बुराई नहीं करोगे तो जीवन को गुजारो है जागो, बिना बाकी काम नहीं चले ऐसा है नहीं सकत। बुराई सुने बिना भी काम चल जागो, लेकिन आदत है लोगो, जरूरत नहीं है। ये निंदा करने वाले लोग, वैचारिक प्रदूषण फैलाने वाले लोग हैं ना, इनको समझ लेना और समझ करके अपने परिवार को बिखरने मत देना, अपने संबंधों को बिखरने मत देना, क्योंकि रहमन धागा प्रेम का मत तोरो, चटकाए और टूटे पीछे ना जुड़े, और जुड़े तो गांठ पड़ जाए। लेकिन कछु लोग ऐसे होते हैं, कहू नेक कहे दई ना, फिर देखो बिना को मूड वैसी चटक जाता। काऊ ने तो नेक कही और भीतर फिर बाको विस्तार करते हैं, है? मल्टीप्लाई है? विस्तार कर लेते हैं। जिनको ज्यादा गुस्सा आता है ना किसी के झूठ पर, उन्हें पहले देखना चाहिए कि हमने तो जिंदगी में कभी झूठ नहीं बोला। दूसरे के झूठ पर गुस्सा आने से पहले अपने झूठ पर गुस्सा आना चाहिए। वैसे गुस्सा तो आना ही नहीं चाहिए, आपस में संबंधों में मधुरता रहनी चाहिए। मैं एक बात और कह देना चाहता हूं, एक ऐसी पुड़िया है, एक ऐसो कैप्सूल है कि यदि भाई आप खा लोगे तो आपको काउते विरोध नहीं होगा, काउते लड़ाई नहीं होगी, काउते गुस्सा नहीं होगा, संबंधों में मधुरता आ जाएगी। एक ऐसो कैप्सूल है मेरे पास, तो मांगो तो मैं दे जाऊं। नहीं चाहिए? अच्छा, गुस्सा तो सबई आते हो, काऊ है ज्यादा काऊ है, और कबू को तो न्यू लग जा लगते हो कि कह तो मर जाऊं, क्या हम मार दो। अच्छा, जो मोटे लोग होते हैं इनको गुस्सा कम आता है, जो सूखे सर्रे से होंगे ना, है बिना गुस्सा बहुत आवे। जिनके हाथ अगरबत्ती और पाम मोमबत्ती है रहे हैं, गुस्सा को पार नहीं। थोड़े ना कि हेल्थी होंगे भी जेल जाएंगे, बोले कछु ना है वक्त रहते, कोई बात ना। तो वो कैप्सूल, जब कोई आपसे बुरा भला कहे, कोई निंदा करे, कोई चुगली करे, यदि सही है वो सही कह रहा है हमारे बारे में तो कोई बुरो मानवे की बात नहीं भाई, सांची है। और यदि गलत कह रहा है तो भी बुरो मानवे की बात ना है। अरे जब हम है ही नहीं तो बकत रहे, अपन गंदा कर रहा हूं, है ना? जब हम ऐसे हैं ही नहीं तो फिर बकत रहे। दोनों तरफ से गुस्सा होने की हमें जरूरत, बुरा मानने की जरूरत नहीं है। लेकिन फिर भी यदि आपको गुस्सा आए तो आपको उससे कुछ नहीं कहना। जैसे कभी कोई आदमी परेशान कर रहा हो और हम बातें लड़ जाएं और हम भाई मार दें, तो जो पुलिस भाई आकर के क्या कहते हैं, ये कानून तुमको अपने हाथ में नहीं लेना था भाई, वो कुछ कह रहा था तो आप हमसे FIR करा दे, हैं आप यहाँ हमारे पास आ दे, लेकिन आपने कानून अपने हाथ में क्यों ले लिया। ऐसे मैं आपसे कह देना चाहता हूं कि जब कोई ऐसा करे तो कानून अपने हाथ में मत लेना, क्योंकि दंड देने वाला तो कोई और है। जब कोई ऐसा करे तो उसके लिए पंक्ति में आपको बोल रहा हूं, इसे याद कर लेना और इसे गुनगुनाना, हमेशा याद रखना, तुम्हारे काम आएगी। उसके लिए ये पंक्ति है, तुम्हें मार कर क्यों
बिगाड़े धर्म। तुम्हें मार करके हम अपनी शांति अपना सुख क्यों खोएं? तुम्हें तो कोई और भी मिल जाएगा। मल्लन को बोलो बोलो, मल्लग अनेरे और घर ना है बाहर वो तेरे, तुम्हें तो कोई ना कोई मिलेगा। अपनी तरफ से छोड़ दो उसे। तुम्हें मार कर क्यों बिगाड़े धर्म। ये तो कैप्सूल हो गया, एक टैबलेट और दे दूं? ए मैया, तुमको तो क्रोध आता नहीं होगा? आता है, तुमको भी आता है? अच्छा, एक टैबलेट। गलतियों से तो जुदा, जब आपस में विवाद हो जाए, आपस में कोई अनबन हो जाए परिवार में, भैया भैया में, पति पत्नी में, देवरानी जेठानी में, बहन बहन में, माँ बेटी में, बाप बेटा में हो जाए, तो मन में एक बात, ये टैबलेट खा लेना, ये गोली पानी के साथ पी लेना। गलतियों से तो जुदा, तू भी नहीं मैं भी नहीं। बात सही है ना? ऐसा तो धरती पे कोई जन्मा नहीं है कि जहां में कोई गलती हो ही नहीं। तो गलतियों से तो जुदा, तू भी नहीं। बोलो बोलो जोर से बोलो। हाँ, आदि पंक्ति तुम बोला करो। गलतियों से तो जुदा, मैं भी नहीं तू भी नहीं, और दोनों इंसान हैं। दोनों इंसान हैं, खुदा तू भी नहीं मैं भी नहीं। दोनों इंसान हैं, खुदा तू भी नहीं और मैं भी नहीं। गलत फहमी ने करी दोनों में पैदा दूरियां। गलत फहमी ने करी तू मुझे और मैं तुझे, इल्जाम देते हैं मगर, मैं तुझे इल्जाम दे रहा हूं, तू मुझे इल्जाम दे रहा है।
तू मुझे और मैं तुझे इल्जाम देते हैं, मगर अपने अंदर झांकता तू भी नहीं और मैं भी नहीं। ताली बजा करो तो फिर जोर से बजा करो। तू मुझे और मैं तुझे इल्जाम देते हैं, मगर अपने अंदर झांकता तू भी नहीं मैं भी नहीं। और लास्ट पंक्ति तुम्हारे दिल तक जाएगी, क्योंकि मैं बोल रहा हूं प्योरिटी ऑफ हार्ट और आप भी सुन रहे हो प्योरिटी ऑफ हार्ट। मैं वाणी से नहीं बोल रहा, ये दिल की जुबां है जो हम बोलते हैं। तो तू मुझे और मैं तुझे इल्जाम देते हैं, मगर अपने अंदर झांकता तू भी नहीं मैं भी नहीं। और गलत फहमी ने करी दोनों में पैदा दूरियां, गलत फहमी ने करी दोनों में पैदा दूरियां, वरना इतना तो बुरा तू भी नहीं और मैं भी नहीं। तुम्हें मार कर क्यों, तुम्हें मार कर क्यों बिगाड़े धर्म, तुम्हें मार देंगे तुम्हारे करम, तुम्हें मार देंगे तुम्हारे करम। सबसे सबसे खतरनाक वैचारिक प्रदूषण जो फैलाते हैं, भैया ये कालिया नाग की जो ये यमुना की जो कथा है, इससे हमें कुछ ये बातें मिलती हैं। इसके बाद में भगवान श्री कृष्ण घर पर गए तो देखा क्या, एक दिन मैया खीर पूरी कचौड़ी बना रही थी। तो लाला ने पूछा, मैया ये क्या बना रही है? बोले, लाला पूजा माई होगी इंद्र की, ताते पकवान बना रही हूं। बोले, इंद्र कौन है? बोले, देवता है जो वर्षा करता है। अच्छा, इंद्र को अहंकार हो गया था, उसको भी भगवान डाउन करना चाहते थे। मैया हम भाई इंद्र की पूजा पूजा नहीं करेंगे। बोले, बेटा नाराज है जागो, नाराज है जागो तो का करेगो? बोले, कहर डाल देगो पूरे वृंदावन पे, पूरे ब्रज पे। बोले, ऐसो कैसो देवता पूजा करें तो खुश और नहीं करें तो नाराज? बोले, नहीं लाला ऐसा ना कहते, इंद्र है देवता है। नहीं मैया चिंता मत कर, सब हम देख लेंगे, पूजा तो अब इंद्र की नहीं होगी, गिरिराज जी की होगी। भगवान के कहने पर सब लोग गिरिराज जी की पूजा करने गए, गिरिराज जी की पूजा करी, मानसी गंगा प्रकट करके उनको आचमन कराया, जल पिलाया। उसके बाद ये बात जब पता लगी इंद्र को तो उसे बड़ा क्रोध आया और उसने अपनी मेघ मालाओं को भेज दिया कि जाने मेरी पूजा बंद कराई और पत्थर की पूजा कर रहे, जा बालक को तहस नहस करो, पूरे वृंदावन को इसका फल चखा दो, मेरी पूजा न करने का फल क्या होता है। और बरसा आंधी और तूफान, गिरिराज महाराज की। भगवान ने गिरिराज जी को उठा करके अपने उंगली पर धारण किया, 7 दिन 7 रात तक। जब इंद्र थक गया तो चरणों में आके गिर पड़ा, बोले महाराज गलती हो गई, क्षमा कर दिया। उसके बाद गिरिराज जी को नीचे रखा, फिर लोगों ने परिक्रमा लगाई है। आप लोग गिरिराज जी तो गए होंगे कभी, कोई है एक आध गिरिराज जी गए हो कभी? गोवर्धन, अरे थोड़े ही हैं, 2-4 ही हैं, रहने दो नीचे कर लो। वृंदावन गोवर्धन कभी जाओ तो देखना,
देश के ही नहीं विदेश के लोग भी आकर के वहां की धूल में लोटपोट हो रहे हैं। आखिर कुछ न कुछ तो होगा इस भारत की माटी में, इस भारत की रज में। कभी गोवर्धन जाओ तो परिक्रमा में तलैटी की परिक्रमा देना, संतों के सेवा करना, प्रवचन सुनना, ब्रजवासियों के साथ में वहां का आनंद लेना। सब वृंदावन वासियों ने फिर परिक्रमा लगाई है, आप भी लगा लो परिक्रमा, टाइम भी हो गया आपका, खड़े हो जाओ। और आज हमको कथा के बाद में फिर लोगों से यहीं पांडाल में मिलना है ना, आरती के 20 मिनट बाद। अब खड़े हो जाओ और नाचने वाले बालक आगे आ जाए करें, मस्ती से नाचे झूमे। ओ मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नहीं माने मेरा, ओ मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे I know I
चांदी ब्रह्म चांदी हे त्रिभुवन चांदी हे चांदी रेव चांदी हे सावा चांदी रे धी मंत्र पुष्पांजलि ओम जले नल्यमय चंदी वास्तानि धर्माणि प्रथमान्याचान्यः तेहना कर्म महिमानः चंद द्रपूर्वे साध्याः चांदी देवाः हरि ओम मेघदंताय विद्महे भद्रदंडाय धीमहि तन्नो दन्ते प्रचोदयात् हरि ओम नंदनंदनाय विद्महे यशोदा नंदनाय धीमहि तन्नो कृष्णा प्रचोदयात् हरि ओम वृषभानुजाय च विद्महे कृष्ण प्रियाय च धीमहि तन्नो त्रिराधा प्रचोदयात्
श्री बंद काम कुल जाम भगवाटे लाभ जय पौनागजाद कर भी दर्शाल पुष्प बिल्वा प्रबाल तुलसी दल मंजरी भी त्वं पूजयामि जगदि स्वर भी प्रसीद नाना स्वंद पुष्पाणी यथा कालो भवानी चा पुष्पांजलिर्मया दत्तं ग्रहाण परमेश्वरा प्राण पुरुषोत्तमाय नमः मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। बोले भागवत महापुराण के गिरिराज धरण के व्यास जी महाराज के सुखदेव जी महाराज के परीक्षित जी महाराज के जय जय श्री राधे श्याम। आज कल कथा का समापन दिवस है, कल हम यहाँ से आरती के बाद चले जाएंगे। जो लोग मिलने के इच्छुक हैं ना, उनसे हम आज ही मिलेंगे पांडाल में, अभी 20-25 मिनट बाद में। राधे राधे। सात सिर की करूं मैं करैया, और सप्तम नौ तिज माऊं मेरे वीर।